Hello friends, welcome to Nimbus IAS. So now we are going to study species in news part 6 और आज हम स्टेपे ईगल और एशियाटिक लॉयन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एशियाटिक लॉयन की अगर हम बात करें तो इनका IUCN स्टेटस जो है वो है एंडेंजर्ड। तो आपको सबसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ये है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या नहीं है, क्योंकि नंबर्स इनका काफ़ी कम है। तो बट इनकी जो कैटेगरी है IUCN के अकॉर्डिंग वो एंडेंजर्ड में आती है। और जैसा कि ये तो कॉमन सेंस से पता लग जाएगा कि इनकी डाइट जो है ये कार्निवोर है, और फिलहाल ये सिर्फ गिर वाले रीजन के अंदर मिलते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो 16 से 18 साल इनका लाइफ स्पैन होता है। तो एशियाटिक लॉयन की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि गिर फॉरेस्ट के अंदर मिलते हैं। अब अगर हम हिस्टोरिकली इनकी बात करें तो ये काफ़ी वाइड एरिया में पहले मिलते थे, टर्की में मिलते थे, पाकिस्तान में मिलते थे, और अक्रॉस ईरान, मतलब पूरे इंडिया से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो पूरा जितना एशिया वहाँ पे ये पहले मिलते थे, लेकिन फ़िलहाल जो है ये सिर्फ गिर फॉरेस्ट के अंदर लोकेटेड है। अब एशियाटिक लॉयन और अफ्रीकन लॉयन के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि एशियाटिक लॉयन जो है वो स्मॉलर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू अफ्रीकन लॉयन। एशियाटिक लॉयन जो है दैट इज स्मॉलर इन साइज। और एक और क्रिटिकल जो डिफरेंस है वो है ये पार्ट। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे जो है लॉन्गिट्यूडनल ये स्किन जो है ये लटकी हुई होती है, और ये अफ्रीकन लॉयन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये अफ्रीकन है और ये एशियन है। तो स्किन यहाँ से ये भी डिफरेंस होता है दोनों का। एशियाटिक लॉयन की स्किन जो है लॉन्गिट्यूडनली ये ओवरलैप करती है यहाँ पे, तो ये भी डिफरेंस है जो आपको मालूम होना चाहिए। टुडे द रिमेनिंग वाइल्ड लॉयंस आर वल्नरेबल टू डिजीज। जो प्रेजेंट लॉयन जो है गिर के अंदर उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, डिजीज की प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि एक ही एरिया के अंदर वो रह रहे हैं। अब वहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है गिर का, तो उनको इंटरब्रीडिंग हो रही है, उनके सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, इंटरब्रीडिंग हो रही है, इस वजह से वो वल्नरेबल हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम भी चल रहा है उनको शायद कहीं और ट्रांसफर भी किया जाए। तो यूजुअल थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो पोचिंग, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये उनको मेजर थ्रेट है, इनके लिए कुछ बचता ही नहीं है। हैबिटेट जो है डेवलपमेंट हो रही है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, उस वजह से लॉयन का जो हैबिटेट है वो कम होता जा रहा है, और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी काफ़ी बढ़ते हैं। गिर लॉयन जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फार्मर्स के कैटल को ये नुकसान पहुंचाते हैं और तब ये न्यूज़ में आ जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि तीन बड़े टेम्पल्स हैं वहाँ पे, तो लोगों का आना जाना बहुत है गिर फॉरेस्ट के अंदर, तो बड़े टेम्पल होने की वजह से, पिलग्रिम होने की वजह से लोगों का काफ़ी आना जाना है वहाँ पे, और इस वजह से जो है लॉयंस के हैबिटेट को नुकसान पहुँचता है। एक और जैसे मैंने आपको बताया एशियाटिक लॉयन फेसेस द थ्रेट ऑफ जेनेटिक इनब्रीडिंग अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन इन वन प्लेस, कि एक ही पॉपुलेशन है, एक ही जगह पर रह रही है, तो इंटरब्रीडिंग हो रही है उनके बीच में, तो इंटरब्रीडिंग होने की वजह से जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनको अब दूसरी जगह पर लोकेट करने की बात चल रही है। एशियाटिक लॉयंस हैव बीन लिस्टेड अंडर एंडेंजर्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि एंडेंजर्ड इनको लिस्ट किया गया है। और अगर हम 2015 सेंसस की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है 523 इंडिविजुअल्स हैं, जिसके अंदर 109 मेल्स हैं, 201 जो है वो लॉयनस हैं, और 213 जो है वो कब्स है। तो काफ़ी जो है ये सुधार आ चुका है इनकी पॉपुलेशन के अंदर, इसीलिए ये बात चल रही है कि इनको जो है पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोकेट कर दिया जाए। पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, लेकिन ऐसे मूव पे जो है गुजरात गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है, ठीक है। गुजरात जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपोज किया है इसको, तो उनका कहना है कि लॉयन जो है सिर्फ उनके पास रहे, नहीं तो उनकी जो एक रॉयल एक वो एक मतलब सिर्फ अभी गुजरात में मिल रहा लॉयन तो वो दूसरी जगह चला जाएगा, तो उस जगह की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा वो कुछ लोग कह रहे हैं। तो लेकिन एफर्ट चल रहा है अभी इसको बचाने के लिए। अब एक एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट द्वारा, और इसका मेन एम क्या है, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना एशियाटिक लॉयन को। अब इसके लिए 3 साल के लिए बजट उन्होंने अनाउंस किया है 9784 लाख,
तकरीबन ये हो गया आपका 97 करोड़ के आसपास इसको फंड किया जाएगा। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उससे ये पैसा लेके इसमें दिया जाएगा। तो आपको ये सारी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए कि एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ये जो है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट उसका एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है मान सकते हो। और जो पैसा दिया जाएगा वो 60-40 के रेशियो में दिया जाएगा, 40% पैसा स्टेट्स को देना होगा, 60% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको एशियाटिक लॉयन के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं स्टेपे ईगल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है स्टेपे ईगल के बारे में। और ये जो है पूरे यूरोप के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका, इस पूरे एरिया के अंदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, बाकी जगहों में मिलता है। और ये जो है माइग्रेटरी बर्ड है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और इंडिया के अंदर ये सिर्फ अपनी विंटर्स स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये सिर्फ विंटरिंग के लिए साउथ एशिया और इंडिया के अंदर आते हैं, और वैसे ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यूरोप और सेंट्रल एशिया उस साइड में पूरा चलता घूमते रहते हैं ये। अब मेजर थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो वेटनरी यूज ऑफ डेक्लोफेनाक, वो एक मेजर रीजन पाया गया है इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। अब इसका यूज़ क्या होता है, ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है जो है फार्मर्स जो है वो लाइफ स्टॉक के अंदर यूज़ करते हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है, ये जो है ये डिजोल्व नहीं होती और ये इसको जब वल्चर या फिर ईगल कंज्यूम करते हैं तो उनको नुकसान पहुंच जाता है, तो लीवर, किडनी, स्प्लीन, इसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और डेक्लोफेनाक के काफ़ी और दुष्प्रभाव भी होते हैं। साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, उसके यूज से भी जो है इस ईगल की वेराइटी को, इस ईगल की ब्रीड को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। फिर अगर हम देखें तो हैबिटेट डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रीडिंग साइट्स, ये सब नॉर्मल जो है हर स्पीशीज को फेस करनी पड़ती है। फिर पावर लाइंस के साथ ये टकरा जाती हैं, जो तारें बिछी हुई होती हैं उनके साथ ये टकरा जाती हैं, क्योंकि ईगल आपको पता है कि काफ़ी हाइट पे उड़ती है। अब इन सब चीज़ों को एड्रेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, एक तो ग्रासलैंड जो है उनको बचाना चाहिए क्योंकि ये ग्रासलैंड के अंदर ब्रीड करते हैं, तो ब्रीडिंग ग्राउंड जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें प्रिजर्व करें। फिर जो पावर लाइन है उसको थोड़ा जो है रैशनली लगाएं ताकि जो बर्ड्स हैं माइग्रेटरी बर्ड्स उनको नुकसान ना हो, क्योंकि पावर लाइंस का नुकसान सिर्फ ईगल को नहीं होता, अगर जैसे हमने पढ़ा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी नुकसान होता है पावर लाइंस की वजह से, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, GPS ट्रैकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनका जो रूट है हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग जो है पावर लाइन को हम जो है बिछा सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स जो है गवर्नमेंट को अपने लेवल पे लेने पड़ेंगे, साथ साथ सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना वो भी बहुत ज़रूरी है। आई होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, डू कमेंट, थैंक यू।